बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉन परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 3। अगर हमारे पास नंबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4। और इसी तरह अगर हमारे पास होता है नंबर 25, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 5। लेकिन अगर हमारे पास नंबर आ जाए यहाँ पर 17, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? ये एक नॉन परफेक्ट नंबर है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हम एक ट्रिक से फाइंड आउट करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि 17 से नियरेस्ट नंबर क्या है, 16, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है 4। तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 17 को फाइंड करना चाहते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 17 को फाइंड करने के लिए हमने करना ये होगा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 17 से जो क्लोज है नंबर वो है 16, और 16 का स्क्वायर रूट है 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, देन प्लस का साइन। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 17 नंबर से 16 दोनों का डिफरेंस कितना है। तो वन डिजिट यहाँ पर लिखा हुआ है 16, तो वन डिजिट हम यहाँ पर, क्योंकि 16 पीछे है और 17 से आगे 25, इसका बहुत डिफरेंस है, हम इस नंबर को नहीं देख रहे, हम 16 को देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर कर देंगे प्लस 1, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 एंड देन डिवाइडेड बाय। अब हमने यहाँ पर देखा लिखा हुआ है 4, तो 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा 8। 4 2 8, यानी इस नंबर का डबल। अब हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो आपने लिखा 4 प्लस, अगर आप 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा 0.125। दोनों को ऐड कर दें तो रिज़ल्ट हो जाएगा 4.125। तो स्क्वायर रूट ऑफ 17 अगर आप चेक करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 17 भी हमारे पास यही आता है, 4.125। नाउ यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25 और हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 27। अब 27 को हम चेक करेंगे कि वो क्लोज है 25 से, क्योंकि 25 के बाद यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आएगा 36। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल होता है 6 के। तो हमने यहाँ पर 27 से नियरेस्ट देखा तो नंबर है वो 20 स्क्वायर रूट ऑफ 25, जिसका आंसर आता है 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, देन आपने यहाँ पे ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 27 से अगर हम क्लोज नंबर देखें तो वो लिखा हुआ था यहाँ 25, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो आप यहाँ पर कर देंगे प्लस 2। और 2 को हम डिवाइड करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा 10। अब आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आएगा 0.2 और स्क्वायर रूट ऑफ 27 होगा 5.2। अब इसी तरह हमारे सामने एक और एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 49 की बात करें तो इक्वल है 7 के, स्क्वायर रूट ऑफ 64 की बात करें तो वो इक्वल है 8 के, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। और हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो इसके ट्रिक ये है कि क्योंकि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 61 फाइंड आउट करना है, तो आप चेक करेंगे कि 64 इससे क्लोज है, 49 स्मॉलर है। तो 64 क्लोज है और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 8, देन प्लस का साइन। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर चेक करना है कि 64 बड़ा नंबर है और 61 स्मॉलर है, तो यहाँ पर हमें प्लस नहीं करना था बल्कि हम करेंगे यहाँ पे माइनस। 8 में से हमने माइनस कर देना है। कितने डिजिट्स का डिफरेंस है यहाँ 64 या 61, यानी 3 का डिजिट का डिफरेंस है, तो आपने लिखा 3 डिवाइडेड बाई और 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 16। तो आपने लिखा 8 माइनस 3/16। जब आप 3 को डिवाइड करेंगे 16 से तो आपका रिज़ल्ट आएगा 0.187।
और आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 8 में से, तो आंसर आएगा 7.8125। और अगर आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 61 को चेक करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 61 भी होता है स्क्वायर रूट ऑफ 61 इक्वल टू 7.810। और यहाँ पे भी है 7.81। सो हमने इस ट्रिक से फाइंड आउट करना सीख लिया है कि हम स्क्वायर रूट किसी नॉन परफेक्ट नंबर का किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।